गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सभी को। गुड मॉर्निंग। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स, तीन स्टेप्स में इसे पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट स्टेप और इन द फर्स्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है इसे समझेंगे। इन द सेकेंड स्टेज वी विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स और व्हाट आर द पॉसिबल बैरियर्स, कितने प्रकार के बैरियर्स हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इन द थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस ईच ऑफ द बैरियर इन डिटेल। हर बैरियर को विद एग्जांपल्स डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट मी आस्क सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। टेल मी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बैरियर्स और व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। Hindrances. So hindrances to communication or while communication. Okay. Any kind of hindrances. Any kind of hindrances to the communication. Very good. Okay. चलो मैं कुछ पूछता हूँ, अगर किसी को पता होगा देन क्लियरली स्टेट मी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सपोज डू यू हर्ड हैव यू हर्ड अबाउट स्लैंटिंग, SLANTING, स्लैंटिंग। व्हाट इज स्लैंटिंग? You have heard about slanting. Okay. चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल जब तक इसे नहीं पढ़ोगे एक बार में बता पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, पढ़ने के बाद समझ जाओगे। टेल मी अबाउट एब्स्ट्रैक्टिंग, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्टिंग? सर 100 बात की 1 बात करना। 100 बात की 1 बात करना। अच्छा चलो yes, sir, आप ठीक 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 वेट करो। देखो मैं क्या कहता हूं, हमेशा कॉन्सेप्ट को समझा करो। जैसे आपका एग्जांपल था 100 बात की 1 बात करना, ठीक है। टेल मी इस वर्ड को हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि नेगेटिव सेंस में लेते हैं, 100 बात की 1 बात करना? सर पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव, बट वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज अ नेगेटिव थिंग और अ पॉजिटिव थिंग? यही तो कहना चाह रहा हूँ कि abstract, if abstract or abstracting is a kind of negative thing, it is a kind of barriers to communication, then how it can be a positive thing? मेरी बात समझ रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ कि abstracting is something negative, वो जो मैं यहाँ पे मतलब समझाऊंगा वो कुछ नेगेटिव है, तो उसका एग्जाम्पल पॉजिटिव कैसे हो सकता है? आई बात मेरी समझ में? यस सर। चलो आप इस चीज को ध्यान में रखना, जिसने भी एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड किया था वो उस समय फिर से मुझसे डिस्कस करना जब मैं एब्स्ट्रैक्टिंग को समझाऊंगा, ठीक है। चलो टेल मी अबाउट सिमेंटिक बैरियर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स? Sir, barriers which occur due to some technical terms or language. Barriers which occurs due to some technical terms or language. Okay. अच्छा चलो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और आज इसे मुझे खत्म करना है ना। मैं स्लाइड्स को शेयर करता हूँ, एक एक चीज को हम लोग इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। उस दौरान मैं प्रॉपर समय दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो इन बिटवीन जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस बीच में आप लोग डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। एक एक चीज को बिल्कुल, और किसी को डाउट रह जाएगा तो बिल्कुल मैं जब समय दूंगा आप मुझसे पूछिएगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, स्लाइड्स तो दिख ही रहा होगा सबको? यस सर। स्लाइड्स देखो, देखो मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, इतने दिनों में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि राइटिंग मेरी काफी खराब है, लेकिन ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं और आप अपने पर्सनल नोट्स अपनी राइटिंग में बनाइएगा, है ना। मैटर्स यहाँ से कुछ कलेक्ट कर लीजिए और आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो अच्छे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसे बस समझने के लिए रखिए।
इसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे इतना लेट में आते हैं ना कि चलिए, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नाउ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाई टू और मोर पीपल एक्सचेंज देयर फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस। इन चारों चीजों का या इन चार में से किन्हीं चीजों का आदान प्रदान किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। एंड दिस होल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग दिस थिंग्स, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस इज बेसिकली रिगार्डेड एज कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर? एक्चुअली द इंग्लिश टर्म बैरियर, यहां मतलब समझना कि ये जो बैरियर वर्ड हम लोग लिखते हैं, दिस इज बेसिकली अ इंग्लिश टर्म और इंग्लिश वर्ड बैरियर। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नंबर वन द फ्रेंच वर्ड बैरियर। ये जो बैरियर है BARRIERE, दिस इज नॉट अ इंग्लिश टर्म, दिस इज बेसिकली अ फ्रेंच टर्म। एंड इट इज सपोज दैट सम एक्सपर्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट द इंग्लिश टर्म बैरियर, दैट मीन्स दिस वन BARRIERE, इट हैज बीन बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, दैट इज BARRIERE। इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ऐसा माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रेंच वर्ड एक बैरियर था, BARRIERE, इससे ही इंग्लिश वर्ड बैरियर की उत्पत्ति हुई है या उसको डिराइव किया गया है। एट द सेम टाइम सम एक्सपर्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट दिस इंग्लिश टर्म बैरियर हैज बीन बेसिकली डिराइव फ्रॉम अनदर इंग्लिश वर्ड और ओल्ड इंग्लिश वर्ड, दैट इज बेरी, BARRE। ठीक है, इसको बैर बोल दो या बैरी बोल दो, बट दिस टर्म, फ्रॉम दिस टर्म दिस इंग्लिश वर्ड हैज बीन डिराइव्ड। ठीक है, इसकी उत्पत्ति इसी शब्दों से हुई है या इन दोनों में से। एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, फ्रेंच वर्ड बैरियर से निकला हुआ है, कुछ का मानना है कि नहीं, इंग्लिश वर्ड जो है बैरी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बट वट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर? बेसिकली द इंग्लिश टर्म बैरियर मीन्स एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स टू द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यानी फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर एक्सचेंजिंग देयर फैक्ट्स, एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस, देन द एक्सचेंज मस्ट बी कंडक्टेड इन अ फ्री फ्लो मैनर। वो फ्री फ्लो में होना चाहिए। बट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ हर्डल, देन सच काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स टू द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दे आर रिगार्डेड एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। किसी भी प्रकार का रुकावट, किसी भी प्रकार का एक तरीके से उसमें उसमें अवधारण अगर ये पेश करना, अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स पेश कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा? किसमें पेश कर रहे हो? ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेशन और फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिगार्डेड एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। So any kind of obstacle or hurdle to the free flow of communication may be regarded as barriers to communication. Now some of the major barriers are as follows. Kuch important barriers, as such there are large number of barriers, hai na? But some of the important barriers are as follows. Basically is diagram mein jo maine dikhaya hai, there are five important types of barriers. Prakar, hai na? Panch prakar ke barriers hote hain aur har prakar mein bhi kai anek prakar ke hote hain. ठीक है, जैसे यहां लास्ट में देखिए, इन द फिफ्थ वन, एब्स्ट्रैक्टिंग इज अ काइंड ऑफ बैरियर, स्लैंटिंग इज अ काइंड ऑफ बैरियर, इन्फरिंग इज अ काइंड ऑफ बैरियर, बट ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस थ्री बैरियर्स, दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर वन बैरियर, दैट इज डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ रियलिटी, बिकॉज मोर और लेस दे आर डायरेक्टली कंसर्न विद द टॉपिक, दैट मीन्स डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ रियलिटी। ठीक है, इसी से संबंधित ये तीनों है, दैट्स व्हाई वी हैव ग्रुप्ड ऑल दिस थ्री अंडर वन टर्म। ठीक है, तो ऐसे ही कई, तो ये जो पांच प्रकार है, तो बेसिकली केवल पांच ही बैरियर्स टू कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटी पांच प्रकार है जिसके अंदर सब सब उसके और भी कई जो सिमिलर नेचर के बैरियर्स है वो उसके ग्रुप ग्रुप अंडर हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, सो द टोटल और ऑल द बैरियर्स इन ऑल द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन may be basically grouped under major five categories, and all those categories are: number one, wrong selection of medium or choice channel. First barrier is wrong selection of medium or channel. What is this medium or what is this channel? ये कौन से medium की बात हो रही है? wrong
wrong selection of medium. What is the meaning of medium here? Communication medium. Communication medium through which we are going to transmit so the platform our, used for communication. Through which we are going to transmit our communication. है ना, जो भी माध्यम, जिस भी चैनल से, जिस माध्यम से हम लोग अपने कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने वाले हैं, अगर वो माध्यम सही ना हो, इफ द सिलेक्शन ऑफ द मीडियम थ्रू विच वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट द कम्युनिकेशन, इफ दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, इफ दैट इज नॉट गुड, इट इज इनअप्रोप्रिएट, देन इट मे बी, इट मे एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. तो वहां पे बैरियर का वो रूप ले सकता है. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज फिजिकल बैरियर्स. कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जिनको बेसिकली हम लोग फिजिकल बैरियर्स के उससे जानते हैं कि उनको फिजिकल बैरियर्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है. फॉर एग्जांपल नॉइस, यहाँ नॉइस का मतलब बहुत तेज आवाज या किसी भी प्रकार की आवाज होने से. ठीक है, नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड पुअर टाइमिंग, इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट ऑल दीज थ्री बैरियर्स, दे आर सेपरेट बैरियर्स. नॉइस इज अ काइंड ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, और पुअर टाइमिंग इट मे बी ऑल्सो रिगार्डेड एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. बट ऑल दीज थ्री दे आर ग्रुप्ड अंडर वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज फिजिकल बैरियर्स. Basically, all these three, they are directly or indirectly related with the physical barriers. That's why they have been grouped under this particular category. ठीक है, तो physical barriers में तीन, noise, time and distance and poor. Now, semantic barriers. Semantic barriers, जैसा किसी ने भी बताया था कि sir, it has something to do with the meaning. हाँ, बिल्कुल 100% सही है. तो इसको भी discuss करेंगे. अभी फिलहाल समझ लो कि basically there are two important types of semantic barriers. सिमेंटिक बैरियर्स को भी फर्दर हम लोग टू इंपॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, अर्थ का अनर्थ निकालना, वो ठीक है, वो तो सिमेंटिक है, बट इसके भी दो प्रकार हैं. नंबर वन इज इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, कुछ वर्ड्स का इंटीग्रेशन करके और फिर उसको फिर अर्थ निकालना. एंड सेकेंड वर्ड इज बाईपास्ट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो ये हाउ दे आर ग्रुप्ड अंडर और व्हाई दे आर ग्रुप्ड अंडर सिमेंटिक बैरियर्स विल डिस्कस इट लेटर ऑन. ठीक है, इसको दिखा जाएगा कि कैसे ये सिमेंटिक बैरियर्स का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक बैरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाईपास्ट इंस्ट्रक्शन, एंड व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड एंड बाईपास्ट इंस्ट्रक्शंस दे आर ग्रुप्ड अंडर सिमेंटिक बैरियर्स, इसको देखा जाएगा. नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स. देयर आर सर्टेन बैरियर्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द कल्चरल, विद द, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द सोशल, सोशियो साइकोलॉजिकल थिंग्स. ठीक है, तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो सीधा कल्चरल से ही जुड़ी होती हैं, या सोशियो या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स की वजह से ये बैरियर का रूप ले लेती है. जैसे क्लोज्ड माइंड, इसको मैं समझाऊंगा, इसको फिलहाल ऐसे भी कर लो. क्लोज्ड माइंड, कई कई लोगों को आमतौर पे आप लोगों ने भी कहा होगा कि ये क्लोज्ड माइंड है ना, तो उसका मतलब क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे. इमोशंस, कल्चरल डाइवर्सिटी, स्टेटस कॉन्शियसनेस, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, कंफ्लिक्टिंग गोल्स. ठीक है, इस प्रकार के जो ये जो सारे हैं, ऑल दीज आर सेपरेट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बट दे आर ग्रुप्ड अंडर कल्चरल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बैरियर है. एंड लास्ट ग्रुप ऑफ बैरियर इज दैट इज डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ रियलिटी. डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ रियलिटी, यानी ये देखो रियलिटी का मतलब क्या है, सच्चाई, वास्तविकता, वास्तविकता. ठीक है, तो वास्तविकता की समझ आपको कैसे है. ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ रियलिटी, दैट मीन्स कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो रियलिटी है, लेकिन उस रियलिटी की समझ आपको कैसे है, इसको हम लोग देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां, मैं आपसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं. ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और मुझे तुरंत रिप्लाई करिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा. सपोज मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोगों का मानना है कि आपके पास दो हाथ हैं. सर मेरा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट यू हैव टू हैंड्स. सभी का. अच्छा, सभी का. ओके, वेरी गुड आंसर. अब चलो मैं इसी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा हूं. ठीक है, मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों का मानना है कि आपके पास दो हाथ है, कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास दो हाथ है. वेदर यू बिलीव दैट यू हैव टू हैंड्स और यू नो दैट यू हैव टू हैंड्स. नो दैट.
जानते हैं। बताओ यस, अब फिर से मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ बिलीव दैट, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट यू हैव टू हैंड्स। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं, मानते हैं कि हमारा ऐसा बिलीव करते हैं, उनका ऐसा विश्वास है कि उनके पास दो हाथ है, ऐसा कोई बच्चा है अब? नो बिकॉज वी कैन सी नो, वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर आवर आर्गूमेंट दैट यस वी नो दैट वी हैव टू हैंड्स। वी डो नॉट बिलीव दैट वी हैव टू हैंड्स, वी नो दैट वी हैव टू हैंड्स। बट पहला क्वेश्चन जैसे ही मैंने पूछा था, आपने क्या बोला था कि यस सर सभी के पास है। कुछ लोगों का तो कहना है कि सर मेरे ही पास नहीं है, सभी के पास है। दैट मीन्स दिस इज समथिंग डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी, सच्चाई की समझ आपको कैसी है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि वास्तविकता, देखो रियलिटी, रियलिटी इज दैट जनरली मोस्ट ऑफ द पर्सन हैव टू हैंड्स, दिस इज रियल। इसे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसे हमें बिलीव करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है, वी हैव टू हैंड्स, ये सच्चाई है, दिस इज रियलिटी। बट व्हाट आर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पर्सन्स, सम ऑफ द पर्सन्स बिलीव दैट दे हैव टू हैंड्स, सम बिलीव दैट एवरीवन हैज टू हैंड्स एंड सो ऑन। तो सच्चाई की समझ आप लोगों को कैसे है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सच्चाई की समझ, तो इसमें क्या है बेसिकली, दिस डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री इंपॉर्टेंट, और देर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच मे बी ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी। वन इज एब्स्ट्रैक्टिंग, वन इज स्लैंटिंग, वन इज इन्फरिंग। तो अलग अलग प्रकार के हैं, और सबकी मतलब सच्चाई की समझ लोग कैसे कैसे रखते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो कैसे बैरियर हो जाता है, वो कैसे रुकावट का काम करता है। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे कि सच्चाई की समझ लोग कैसे रखते हैं, और वो क्यों रुकावट होता है, उसको क्यों हम लोग रुकावट के रूप में लेते हैं, या इट मे बी ट्रीटेड एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, हाउ वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो चलो एक एक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर किसी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, इन पांच की एक्सप्लेनेशन को छोड़ के अगर कोई डाउट है, तो हम मुझसे अभी समझ ले। इस पांच की ठीक क्लेरिफिकेशन मत पूछना, क्योंकि ये तो मैं डिस्कस अभी करूंगा ही। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले। चलो वेरी गुड, नाउ फर्स्ट वन, दैट इज रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम और चैनल। कैसे अगर रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम या चैनल किया जाएगा, तो उससे भी वो बैरियर का रूप कैसे ले लेता है। देखो फर्स्ट वन, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम। देखो, नाउ अडेज कम्युनिकेशन मे बी डन विद द हेल्प ऑफ अ वेराइटी ऑफ मीडियम्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि आज के डेट में, नाउ अडेज कम्युनिकेशन में भी डन विद द हेल्प ऑफ ए वेराइटी ऑफ मीडियम्स। कई प्रकार से हम लोग इसको, कई मेथड से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओरल कम्युनिकेशन में भी डन, और कम्युनिकेशन में भी डन इन ओरल मेथड, रिटन मेथड, ऑडियो मेथड, विजुअल मेथड्स और ऑडियो विजुअल मेथड्स एक्सेट्रा। लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स और मीडियम्स आर देयर थ्रू विच कम्युनिकेशन में भी डन आज के डेट में। ठीक है, नाउ एवरी मीडियम हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल, एट द सेम टाइम व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, है ना। जितने भी मीडियम्स होते हैं, जितने भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, सबके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, सबके कुछ बोलना बोला चाली बातचीत। हाँ ठीक है, देखो एवरी मीडियम हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जितने भी मीडियम होते हैं, कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो फुल प्रूफ है, दैट कैन बी एप्लीकेबल इन ऑन ऑल कंडीशंस। दैट मींस विद द हेल्प ऑफ दैट मीडियम, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मे बी ट्रांसमिटेड। नो, देयर इज नो सच मीडियम्स। दैट मींस ईच मीडियम हैज सर्टेन एडवांटेजेस एज वेल एज ईच मीडियम हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस। हर मीडियम का कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। नाउ Selecting of best medium will provide effectiveness to communication.
नाउ दिस इज द मेन आर्गुमेंट ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम. इसका आर्गुमेंट क्या कहा जाता है कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट मीडियम विल प्रोवाइड इफेक्टिवनेस टू कम्युनिकेशन इन एनी कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द मैसेजेस और इन ऑर्डर फॉर द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मीडियम is very very important. Why? Because selection of the best medium for the transmission of the communication basically provides its effectiveness. वो उसको effectiveness देता है, ठीक है? यानी उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है या उसको ज़्यादा weight देता है, ठीक है? So selection of the best medium will provide effectiveness to the communication. Whereas selection of wrong medium may act as an hurdle to communication. जैसे ही हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मीडियम विल प्रोवाइड इफेक्टिवनेस टू कम्युनिकेशन दैट मींस इफ वी सिलेक्ट रॉन्ग मीडियम देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कांट बी डन दैट मींस इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ हर्डल इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वो कहीं ना कहीं बैरियर का काम करेगा अगर बेस्ट मेथड को हम लोग नहीं सिलेक्ट किए तो 100% दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल देते हैं सपोज आनंद सिंह नाम के कोई एक टीचर है जिनको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का क्लास लेना है ठीक है मान लो मुझे आप लोगों का क्लास लेना है ठीक है नाउ टू मेथड्स आर देयर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू दैट आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास ऑन से वेडनेसडे ऑन वेडनेसडे 11 AM 11 AM पे मैं वेडनेसडे को क्लास लूंगा ये मैंने डिसाइड किया है और मुझे ये बच्चों को कम्युनिकेट करना है नाउ देयर आर टू मेथड्स नंबर वन टू सेंड द मैसेज इन अ व्हाट्सएप ग्रुप वेयर इन ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर जहां पे सारे बच्चे हैं वैसा कोई अगर ग्रुप है तो उस ग्रुप में एक मैसेज डाल देना फर्स्ट मेथड सेकंड वन मैंने कहा कि नो व्हाट्सएप इज नॉट अ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है नहीं सो आई मस्ट राइट अ नोटिस एंड पुट दैट नोटिस इन द ऑफिशियल से नोटिस बोर्ड ऑफ DAVPG कॉलेज जो DAVPG कॉलेज का ऑफिशियल नोटिस बोर्ड है वहां मुझे हैंड रिटन या टाइप रिटन जो भी है वहां एक ऑफिशियल नोटिस देना होगा कि स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर इन्फॉर्म्ड दैट आई एम गोइंग टू टेक योर क्लासेस रिगार्डिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ऑन वेडनेसडे एट 11 AM और मैं ये नोटिस वहां पे जाके ऑफिस में लगा दू नाउ टेल मी विच मेथड विल बी गुड कीपिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन इन माइंड व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्दो इट इज नॉट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है यहाँ बात समझो ऑल्दो व्हाट्सएप इज नॉट अ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इज बेसिकली नॉट रिगार्डेड एज अ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म एंड नोटिस बोर्ड एंड ऑल सच थिंग्स दे आर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स वेयर नोटिसेस मस्ट बी सर्कुलेटेड नोटिस बोर्ड ऐसा चीज होता है जहां नोटिस सर्कुलेट होना ही चाहिए बट Nowadays we are not circulating the messages to that particular notice board. अगर मैं rigid हो जाऊं कि नहीं, I will not follow any kind of method which is not official. ठीक है? Since I am a government teacher, I must adopt the norms which are prescribed by central government. ठीक है? और मैं जाके notice चिपकाऊं, तो मेरी class में कितने बच्चे आएंगे? ठीक है? That means wrong selection of medium will basically it will create a bad impact upon my communication. It will not provide effectiveness to my communication. But although a platform which was not official, that is not permitted, that is not official, but then also if I am selecting that particular method, then it will provide effectiveness to my communication. वो मेरे कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में सहायक है एंड दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर मेथड ठीक है इसको और दूसरे मेथड से भी दूसरे एग्जांपल से भी समझो मेरे ख्याल से इतने से समझ में आया होगा लेकिन एक दूसरा एग्जांपल समझो कि सपोज आप लोगों में से कोई हॉस्टल में रहता है और जाहिर सी बात है आप हॉस्टल में हो तो आपका घर तो उस शहर में नहीं होगा अदरवाइज आप हॉस्टल में क्यों रहते ठीक है मान लो आप बनारस जैसे छोटे शहर में रहते हो हॉस्टल में और आप रहने वाले हो सपोज बिहार के ठीक है और एक दिन बाद आपको कुछ अर्जेंट पैसे की जरूरत है नाउ यू हैव टू मेथड्स फर्स्ट टू राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स
that I need certain money, please provide me money as soon as possible. You are going to write a letter to your parents. Ek letter apne parents ko likho ki mujhe kuch paisa bhejiye. Yeah, you have telephone, you directly call to your parents. Theek hai? Now, which method is suitable in this particular condition? Sir, telephone. Because? Telephone, sir. Why telephone is best suited for this medium or in this condition? Fast. Money is required urgently. Yes, money is required urgently. This was the main basis of your communication. Why you have communicating? आप अपने घर से बात इसलिए नहीं कर रहे हो कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई. No, the basic objective of calling to your parents or calling your parents was to request them to give you certain money, and that was urgently required. ठीक है, तो ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जो लीस्ट पॉसिबल टाइम में आपकी मैसेज को कन्वे कर दे. लेटर लिख रहे हो, लेटर पोस्ट करोगे, पता नहीं वो आज डेट में निकलेगा भी कि नहीं निकले. तो वैसा इफ इफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट इज यूजिंग और ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज पेरेंट्स एंड रिक्वायरिंग मनी ऑन अर्जेंट बेसिस, देन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड इट विल बी अ कंप्लीट हर्डल. इट विल बी एक्टिंग एज अ हर्डल टू द कम्युनिकेशन एंड योर इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन विल बी रिड्यूस्ड. उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल आप नहीं कर पाएंगे. उसकी इफेक्टिवनेस, जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो selection of wrong mediums or wrong methods of transmission of the communication, for transmission of the communication, will basically directly affect the effectiveness of communication. And that's why we state that wrong selection of communications acts as hurdles to communications or barriers to the communications. ठीक है. Now second one was, ये जो second क्या था, the second was physical barriers. There are certain barriers which are regarded as physical barriers. Some of the important physical barriers are noise, time and distance, poor timing. ठीक है, इन तीनों को basically हम लोग मोटा मोटी मानते हैं कि ये होता है. Now why noise is considered to be a physical barrier? Because suppose when two persons are communicating and at that particular of time heavy noise is going on in the background, then it is more possible that the transmission of the communication is not done in an effective manner. अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति बात कर रहे हैं और noisy environment हो, जो environment है that is very very noisy, वहां पे बहुत ज्यादा हल्ला या इस टाइप का आवाज, वहां जो volume of sound है वो क्या है, noise का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, sound की volume तेज है, कहीं ना कहीं ज्यादा है. तो एनवायरमेंट ऐसा है जहां पे इसको पूरा नॉइजी एनवायरमेंट या ज्यादा शोर शराबे वाला एनवायरमेंट, दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट विल क्रिएट अ हर्डल टू द कम्युनिकेशन. दैट मींस व्हाटएवर कम्युनिकेशन इज डन बिटवीन द पर्संस, बिटवीन टू पर्संस और मोर देन टू पर्संस, द मैसेजेस विच आर ट्रांसमिटेड अंडर द नॉइजी एनवायरमेंट, दैट पर्टिकुलर दैट एनवायरमेंट और नॉइजी एनवायरमेंट विल क्रिएट or directly impact or affect in a negative manner upon the effectiveness of communication. जो आपकी effectiveness of communication होनी चाहिए थी, उसके ऊपर negative impact, नकारात्मक प्रभाव डालेगा. कौन सा? Noisy environment. ठीक है? For example, जैसे आप लोग क्लास में कभी आए ही नहीं हो, तो इस example को शायद दिमाग में ना बना पाओ. ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई ऐसे स्कूल से भी रहा है जो स्कूल में जब क्लासेस करता था तो उसके अगल बगल बिल्डिंग से हमेशा कुछ शोर शराबा या ऐसा आवाज आता था जिससे क्लास में हमेशा डिस्टरबेंस पैदा होता था? सर, कभी कभी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर जब स्कूल में पढ़ते थे तो सर दुर्गा जी का पंडाल बनता था सर, उसमें बहुत शोर आता था. अच्छा, चलो ठीक है, मतलब आपके अगल बगल कहीं पंडाल बनता था और उसमें जाहिर से बात है लाउड स्पीकर्स लगा दिए गए होंगे. यस सर. हाँ, तो उससे जो है आवाज शोर होता था. चलो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो मैं डे टू डे टीचिंग में फेस करता हूँ इन डीएवी पीजी कॉलेज. ठीक है, बेसिकली देखो, द क्लासरूम्स ऑफ कॉमर्स, स्पेशली फर्स्ट ईयर क्लासरूम, फर्स्ट ईयर के जो क्लासरूम्स हैं वो बेसिकली दो क्लासरूम्स हैं, रूम नंबर 105, रूम नंबर 106, ए बी सेक्शंस के लिए. ठीक है, बट
जस्ट बिहाइंड द बिल्डिंग, जस्ट बिहाइंड द बिल्डिंग ऑफ डीएवी एक एक इंटरमीडिएट स्कूल है, ठीक है, हमारे जस्ट बिल्डिंग के पीछे, और दोनों बिल्डिंग के बीच में जो गैप है हार्डली 1 to 2 meters का है, ठीक है, दोनों की जो बाउंड्री वॉल्स है वो हार्डली 1 to 2 meters, ठीक है, 1 या 2 meter का है, मतलब 1-2 हाथ का अंतर है बस, ठीक है। देखो होता क्या है, हमारी भी टॉल बिल्डिंग है 3 या 4 तल्ले की है, उनकी भी 3 या 4 तल्ले की है, उनकी भी उधर से क्लासेस चलती है, हमारी भी क्लासेस चलती है, बट वॉट अबाउट द स्टूडेंट्स लेवल एट डीएवी पीजी कॉलेज एंड वॉट इज द लेवल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज, वहां पे क्या है, अप टू 12th है, यानी फ्रॉम कोई भी ऐसा क्लास होगा जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे तो मिनिमम बीकॉम फर्स्ट ईयर, सबसे जो जूनियर्स है 2000 बीकॉम और बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो यहाँ पे तो फिर भी बच्चे हल्ला नहीं करते हैं। वट अबाउट दैट पर्टिकुलर स्कूल, एक क्लास खत्म होती है और दूसरी क्लास शुरू होती है, उसके बीच में अगर 15 से 20 मिनट का समय होता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड द टाइप ऑफ एनवायरमेंट इन द क्लासेस ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर रूम्स स्पेशली इन द रूम नंबर 105 एंड 106 इज 100% नॉइजी। अब सोचो क्लासेस का क्या हाल है, सपोज टीचर कहां पे खड़ा होगा, ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होगा, व्हाट अबाउट द स्टूडेंट हु इज सिटिंग एट द लास्ट कॉर्नर, जो क्लासरूम में सपोज बीकॉम के बच्चों में जो भी क्लासरूम में और सबसे लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है, ठीक है, तो मेरी आवाज या तो इतनी 100% वो होनी चाहिए कि जो प्योरली, अगर एनवायरमेंट नॉइजी ना हो तो भी बहुत धीरे आवाज जाती है पीछे बैक बेंचर्स में, इवन कुछ टीचर्स के रिगार्डिंग तो बच्चों का ये कहना होता है कि उनकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं रही है नॉर्मल कंडीशंस में। नाउ थिंक अबाउट द नॉइजी कंडीशन, ठीक है, उस समय क्या आवाज पहुंचने की चांसेस कितनी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस। एंड व्हाट अबाउट दोस टीचर्स जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, वो क्या करते हैं, या तो वो अपने लेवल को बहुत तेज करते हैं, अदरवाइज उसका भी कोई फायदा नहीं है। दैट मींस इफ एनवायरमेंट इज नॉइजी देन इट इज 100% गोइंग टू अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ नेगेटिव मैनर, दैट मीन्स इट विल क्रिएट और इट विल बी ट्रीटेड एज अ हर्डल टू कम्युनिकेशन और बैरियर टू द कम्युनिकेशन, वो जरूर होगा, ठीक है। नाउ टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। देखो इसमें सारे चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमें देखना है, व्हाई, बिकॉज वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर नेगेटिव होता है, ठीक है, तो नेगेटिव चीजों का ही हमें ये देखना है। नाउ वी हैव टू यूज दीज टू पर्टिकुलर थिंग्स दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस इन अ नेगेटिव मैनर, हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे टाइम का यहां मैंने एग्जांपल दिया है, वर्कर्स वर्किंग इन शिफ्ट कांट कम्युनिकेट, सपोज आनंद सिंह नाम का कोई वर्कर है और मान लो अंकित नाम का कोई एक वर्कर है, और दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, बट द टाइमिंग ऑफ दीज वर्कर्स आर डिफरेंट। सपोज आनंद सिंह इज वर्किंग इन द मॉर्निंग शिफ्ट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम से 8 to 12 एंड अंकित इज बेसिकली वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट से 2 to 6। नाउ if they are friends, if they are very close friends, now whether there is any kind of possibility of any kind of communication between those two persons, kya dono ke beech mein baat karne ka koi chance wahan pe banega? No, that means due to time factor basically communication process is being affected, it is the time is basically acting as a hurdle between the communication, wahan pe kya kar raha hai, because of different shifts they are not able to communicate, because of different time periods, because of different time slots, they are not in a position to communicate. Okay? So basically time is here acting as hurdles between the communication. Ab yahan pe koi ye kehta hai ki sir with the help of phones we can communicate. No, that particular thing, yahan pe hum log seedha seedha negative impact ki hi baat kar rahe hain. Positive pe jab baat karte hain to hum log keh sakte hain ki by taking the use of mechanical devices, this particular hurdle may be revoked or this particular barrier may be revoked, है ना? Mechanical devices का use करते हुए इस barrier को हम लोग revoke कर सकते हैं, तो वैसे तो हर barrier को revoke कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कैसे time एक barrier हो जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग shift के अगर workers या कोई भी persons अगर आपस में बात करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं,
that is because of different time slots, that is because of different time periods. In the same manner, distance matter in the absence of any mechanical device. ठीक है, अगर मैकेनिकल डिवाइस का प्रयोग ना किया जाए तो डिस्टेंस मैटर करेगा. सपोज इसका एग्जांपल ऐसे लो, सपोज हम लोग ऐसे, मान लो बाबा आदम के जमाने की हम बात कर रहे हैं, सपोज वी आर लिविंग इन सच काइंड ऑफ सोसाइटी वेयर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन कम्युनिकेशन. There is no mechanism, there is no method, there are no devices, there are no electronic gadgets or devices which are helpful for online communication. हम लोग ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कोई चांस ही नहीं है. Now tell me whether there is any possibility that I can communicate with all of you or I can discuss on any specific point with all of you. क्या मैं आप लोग की क्लास लेने में सक्षम होता? No. Because distance matter, because of the distance between the teacher and all the students, because of this particular distance, if mechanical devices are not used, then distance will play or distance will act as a hurdle or barrier to communication. ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल लो. मान लो कोई नेताजी आए हुए हैं, उनको भाषण देना है, ठीक है, और उनके सामने 1,00,000 की जनता है, उनके सामने से माइक हटा लिया जाए. Now whether कहा जाएगा कि आप तो सुपरमैन है भाई, बात कर लीजिए सबसे. Whether it is possible that particular political leader is going to properly communicate with all the persons. He can communicate with those persons who are sitting near to or nearby him. जो उसके distance से closer distance पे, उनसे तो वो बात कर लेगा. ठीक है, कितना भी चिल्लाएगा तो एक up to a level of distance, एक particular distance तक उसकी आवाज आएगी. What about if the mob is very large in number? वहाँ पे distance क्या करोगा? It will create a hurdle or it will create a barrier in the communication. वो barrier का रूप ले लेगा. So time and distance also act as barrier to the communication. And the third one was poor timing. कभी कभी समय खराब होता है. समय खराब का मतलब, देखो कोई भी समय खराब नहीं होता है, but here we are talking about poor timing. That means transmission of message at wrong moment. गलत समय पे मैसेज को ट्रांसमिट कर देना, यानी आपकी जो टाइमिंग है, प्रॉपर टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज वॉज रॉन्ग. गलत समय पे अगर मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया जाए तो भी वो क्या कर देगा, आइदर इट विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन और इट विल 100% बी रिगार्डेड एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनाउंसमेंट, ये बिल्कुल ये लाइवली एग्जांपल है, इसको ध्यान से इसको देखिए. अनाउंसमेंट ऑफ स्कीम्स ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड्स. सपोज अगले साल क्या है, यूपी गवर्नमेंट की चुनाव होने वाली है, ठीक है, और अगले साल अगर सपोज मान लो अगर फरवरी में अगर सपोज चुनाव है और जनवरी में सपोज योगी आदित्यनाथ जी कुछ आप लोगों से वो करते हैं, वादा करते हैं कि आई विल गिव रुपीज 1,00,000 इन द अकाउंट्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन बीकॉम. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग देयर ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, देन द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम रुपीज 1,00,000, उनको 1,00,000 रुपया देगी. तो क्या इस अनाउंसमेंट की इफेक्टिवनेस क्या रहेगी कि आप लोग उसको मानेंगे कि नहीं नहीं, सिंस इलेक्शंस आर देयर दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग सच काइंड ऑफ स्कीम्स. क्योंकि इलेक्शन है इसलिए ऐसे अनाउंसमेंट हो रहे हैं जिनका वास्तविकता से संभवतः कोई रिलेशन नहीं है. आप लोग क्या मानेंगे, ये चीज मानेंगे कि वास्तविकता से कोई संबंधित नहीं है, या ये मानोगे कि नहीं, सिंस योगी इज टॉकिंग दैट्स वाई वी आर 100% श्योर दैट ही इज गोइंग टू गिव रुपीज 1,00,000. आप दोनों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? वास्तविकता से कोई संबंधित नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर उनको देना ही है, ठीक है, तो वो आज दे सकते हैं, वो कल दे सकते हैं. आप ये कहेंगे ना कि 5 साल में तो दिए नहीं, बट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ही इज मेकिंग एन लार्ज एंड लार्ज अनाउंसमेंट, लार्ज नंबर ऑफ अनाउंसमेंट. सो सिंस द अनाउंसमेंट और द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट इज रॉन्ग, वहां पर क्या है, उसकी कमिटमेंट में हो सकता है कि मुझे विश्वास हो कि नहीं नहीं, मेरा विश्वास है कि योगी जी एक अच्छे आदमी हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा भले ही ये विश्वास है, बट उसके बावजूद मैं क्या कहूंगा कि सिंस इलेक्शंस आर देयर दैट्स व्हाई ही इज मेकिंग सच काइंड ऑफ अनाउंसमेंट.
वहां पे द टाइमिंग ऑफ सच काइंड ऑफ अनाउंसमेंट विल बेसिकली रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द अनाउंसमेंट. वहां जो टाइमिंग है वो अनाउंसमेंट की इफेक्टिवनेस को गिरा दे रहा है या उसको रिड्यूस कर दे रहा है, कम कर दे रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देंगे ही नहीं, मैं डेड सियोर हूं कि नहीं देंगे, नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता है, हो सकता है वो दे दें, बट व्हाट अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट विल बी रिड्यूस्ड ओनली बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, बिकॉज इलेक्शंस आर देयर. अगर एक रैशनल बिहेवियर, एक रैशनल आदमी से अगर पूछा जाए कि क्या आप ऐसे अनाउंसमेंट्स पे विश्वास करेंगे, तो कहेगा कि नहीं, देखो अनाउंस चुनाव आने वाला है, अभी आज 1 लाख दे रहे हैं, चुनाव के दिन से पहले हो सकता है 5 लाख देने की घोषणा कर दे, ठीक है. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स मे बी डन. सो द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट और द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेशन मे रिड्यूस द इफेक्टिवनेस और इट मे डायरेक्टली ट्रीटेड एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. और रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है. एंड सिंस इट इज रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन और इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है. ये फर्स्ट और टू में किसी को कोई डाउट है? ये नंबर वन यानी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड नंबर टू नॉइस टाइम डिस्टेंस एंड पुअर टाइमिंग, इन दोनों में से किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी समझ ले, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े. चलो वेरी गुड. नाउ थर्ड वन इज सिमेंटिक बैरियर्स. सिमेंटिक बैरियर्स, इसको किसी ने बताया था, किसी स्टूडेंट ने ही बताया था कि यस सर इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विथ द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन. यस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ मीनिंग. यहाँ पे मैंने देखो हिंदी में लिखा हुआ भी है सिमेंटिक. दिस इंग्लिश टर्म सिमेंटिक लिटरली मीन्स और द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड सिमेंटिक इज अर्थ. इसका मतलब सिमेंटिक बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर्स जो अर्थ के वजह से बैरियर का वो कर लेते हैं. यानी जैसे इसको सीधा से हम समझो कि अर्थ का अनर्थ करने वाले ही जो यहाँ पे क्या करेंगे, बैरियर्स का रूप ले लेंगे. नाउ दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. नाउ दोज आर नंबर वन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर टू इज बाईपास्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. देखो दोनों को देखा जाए क्या है. नाउ बेसिकली सिमेंटिक बैरियर्स आर दोज बैरियर्स विच आर डायरेक्टली कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. यानी सिमेंटिक बैरियर्स हर वो बैरियर्स होते हैं जिसमें वर्ड्स के मीनिंग को सही तरीके से अगर ना समझा जाए तो वो बैरियर का रूप ले लेता है, ठीक है. यानी इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन वो रिड्यूस हो जाता है, वो पूरी तरीके से या तो समाप्त हो जाता है या तो इफेक्टिवनेस रह नहीं जाती है. कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस रह नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि शब्दों के अर्थ को आपने सही तरीके से नहीं समझा. जो शब्द आपने सुना उसका सही अर्थ क्योंकि आपने नहीं समझा, इसलिए वो बैरियर का रूप ले लिया. नाउ सिमेंटिक बैरियर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स. यानी शब्द तो है बट हाउ इंटरप्रिटेड, हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रिटेट दोस पर्टिकुलर वर्ड्स, आप उस वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर लिसनिंग अ वर्ड बट हाउ यू आर गोइंग टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर इंटरप्रिटेशन सही हुआ देन दैट इज गुड, बट अगर इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुआ देन दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी रिगार्डेड एज सिमेंटिक बैरियर. नाउ देखो क्या है, जनरली सेम वर्ड्स मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है. कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कई मीनिंग्स होते हैं. एक वर्ड को सुन के आप उसकी एग्जैक्ट मीनिंग का पता नहीं लगा सकते, ठीक है. एक वर्ड की कई मीनिंग्स होते हैं. नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड मे चेंज इट्स ओवरऑल मीनिंग, बट अगर उसी वर्ड की इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से की जाए तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसने आज 100 रुपए प्रॉफिट कमाए, नाउ टेल मी वेदर इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. सर पॉजिटिव. पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव. क्यों? बिकॉज द वर्ड विच वॉज यूज बाई मी वॉज प्रॉफिट. केवल मैंने इतना ही कहा था कि प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो पॉजिटिव है. But we know that since all of you are the students of commerce, then we know that basically the term profit, the meaning of there are large type of profit. And simply by stating profit, I am not concluding that or I am not stating that what kind of profit I am talking about. Jo profit maine kaha, kya maine aapko bataya ki
रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100? नो, ये मेरे द्वारा नहीं कहा गया था, ठीक है, मैंने सीधा ये कहा था कि प्रॉफिट 100 रुपया कमाया. नाउ टेल मी, अब मैं फिर से स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसका मतलब समझो. रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100, बट द कंपनी हैज टू पे अ टैक्स ऑफ रुपीज 120 टू द गवर्नमेंट. रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 रुपए का प्रॉफिट कमाई है, ग्रॉस प्रॉफिट कमाई है, उससे 120 रुपए का टैक्स देना है गवर्नमेंट को. नाउ वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर रिलायंस और इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर रिलायंस कंपनी. नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव, इट इज अ नेगेटिव बिकॉज हियर आई हैव क्लेरिफाइड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट. बाय द टर्म प्रॉफिट एक्चुअली आई मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है. And since gross profit is 100 and the company is supposed to pay tax of rupees 120, so it will have a negative impact upon the net profit. The net profit, which is calculated after paying the taxes, it may be negative. So this particular word, after merely hearing about the profit, you can't or you should not conclude about the statement. केवल profit को सुन के आप लोग को किसी चीज का conclusion पे नहीं पहुंच जाना चाहिए. किसी ने आपको बताया कि यार इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट कर दो, ये बहुत प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है. तो पहले तो बहुत का मतलब समझाओ भैया. तो बहुत में मान लो कह रहा है कि 10% प्रॉफिट कमा रही है, चलो बहुत अच्छा है. तो अगला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि व्हाट आर द टैक्स, व्हाट आर द लाइबिलिटीज, व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स विच आर गोइंग टू बी मेड बाई द कंपनी एंड वेदर दे आर गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट और नॉट. यू आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट. सच काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशंस मस्ट बी आस्क्ड. Otherwise, interpretation of the word, जैसे ही प्रॉफिट सुने और ख्याल में बनाने लगे कि बस 1 लाख लगाया तो 1,10,000 रुपया मेरा हो गया, सच काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन आर गोइंग टू जस्ट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन कहा गया है वो क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है जिसके कई मीनिंग होते हैं, तो जब तक आप एग्जैक्ट वर्ड का या गलत इंटरप्रिटेशन करोगे तो गलत वहां पे उसका मतलब निकल जाएगा, ठीक है. तो वर्ड तो एक ही है, मैंने दोनों में कहीं पे भी, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ प्रॉफिट. ये दोनों प्रॉफिट से अलग नहीं है, दे आर सिंपली टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. तो प्रॉफिट के प्रकार ही तो है, ठीक है. तो बट सिंस वी नो दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट हैज लार्ज नंबर ऑफ टाइप्स, सो वी मस्ट क्लैरिफाई विच प्रॉफिट यू आर टॉकिंग अबाउट. आप किस प्रॉफिट की बात कर रहे हो पहले वो क्लैरिफाई करो, देन वी विल इंटरप्रिटेट that particular word, your statement. We will make a interpretation of your statement. आप profit को clarify करो तो हम आपकी statement को clarify करेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो, whether that is a good position for us or that will be a negative position for us, ठीक है. तो interpretation of word is very very important, but if someone is misinterpreting then it will be treated as a hurdle of communication, ठीक है. hurdle of communication में ये treat होगा. and since here the meaning of words are interpreted or changed, that's why it is regarded as semantic barriers. क्योंकि यहाँ शब्दों के अर्थ को ही तो गलत समझा जा रहा है, तो semantic में इसलिए ये आता है. Now second one is bypassed instructions. देखो ये बहुत ही अच्छा example है, इसको समझो. bypassed instructions, कैसे instructions को सही तरीके से ना लेना, ठीक है. जैसे मैं अक्सर ये class में example देता हूँ कि suppose इंस्पेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अ कंपनी. एक कंपनी में अचानक जो है आज इंस्पेक्शन होने वाला है, ठीक है. तो इंस्पेक्शन जाहिर सी बात है कौन करता है, बड़े अधिकारी करते हैं. बड़े अधिकारी अपने छोटे ऑफिशियल्स का या एक छोटे ब्रांच का या ब्रांचेस का इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है. नाउ ऐसा ही एक न्यूज आता है एक ऑफिस में कि आज इंस्पेक्शन होने वाला है, ठीक है. तो तुरंत मैनेजर बुलाता है अपने एक स्टूडेंट को जो कि से कॉमर्स का ही स्टूडेंट था, उसको बुलाया, कम 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 फास्ट कम. वो आया जल्दी दौड़ के, उसको बोला, उसको फाइल उसने दिया कि दीज आर सम ऑफ द फाइल्स, गो एंड जस्ट बर्न दीज फाइल्स, गो फास्ट एंड बर्न दीज फाइल्स, जल्दी जाओ और इसे बर्न करो, burn, जल्दी जाओ इसे बर्न करो. देन द स्टूडेंट और सॉरी दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट कभी रहा होगा कॉमर्स का, बट नाउ करेंटली ही इज द स्टाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस, ठीक है. तो वो जाके ऑफिस के वो उन फाइल्स के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहा है. मान लो उसी में एक आर्ट्स का भी स्टूडेंट था, उसको भी बुलाया, कम कम कम, उसको भी कुछ फाइल दिया, गो एंड बर्न दीज फाइल्स, ठीक है. वो भी गया,
देखो दोनों के डिफरेंस अप्रोच क्या होगी, ठीक है। आर्ट्स का स्टूडेंट, मैं किसी स्ट्रीम को यहाँ बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि वो उसने पढ़ाई नहीं होगा उस चीज को, तो उसकी उसकी पॉसिबल रिएक्शन क्या होगी, उसने सोचा कि अरे आज इंस्पेक्शन होने वाला है और साहब बहुत गुस्से में है, उन्होंने मुझे कहा है कि इस फाइल को बर्न करो, वो लेके गया और उसे माचिस लगा दिया, आर्ट्स वाला। क्योंकि बर्न का बेसिक मतलब क्या है, BURN, बर्न का बेसिकली मतलब है जलाना, ठीक है। तो आर्ट्स वाले ने भाई उसको नहीं पता था, वो गया उसको जला दिया, बट द स्टूडेंट बैकग्राउंड और द सेकंड ऑफिशियल स्टाफ हु वाज बेसिकली फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, उसे पता है कि बर्निंग ऑफ फाइल बेसिकली मींस मेकिंग अ कॉपी ऑफ द सेम और मेकिंग अ इसको क्या आप लोग बोलते हैं, फोटोस्टेट ऑफ द सेम और मेकिंग अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सेम, ठीक है। बर्निंग फाइल बेसिकली मींस, जो टेक्निकल टर्म्स बर्निंग ऑफ द फाइल्स होता है यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है कि मेकिंग अ सेकंड कॉपी, इट मे बी इन सॉफ्ट कॉपी वर्जन, दैट मींस उसको जाके स्कैन कर लीजिए और स्टोर कर लीजिए, या उसकी फोटोस्टेट कर लीजिए और उसकी दूसरी कॉपी तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया, सेकेंड पार्टी क्या करेगा अगर उसे नहीं पता है कि वट इज बर्निंग मीन्स, ठीक है, तो बाईपास्ट इंस्ट्रक्शन मीन्स समथिंग वॉज सेड बट द सेम वॉज नॉट रिसीव्ड एट द सेकेंड एंड, यानी बोला कुछ किया था लेकिन समझा कुछ गया, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको बाईपास कर दिया गया, उसे माना नहीं गया, जो कहा गया उसे नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि जाओ इसे बर्न कर दो, मैं कहूंगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नो, दैट इज ऑफिस, यू आर सपोज टू ओबे योर सीनियर्स और ओबे योर ऑफिसर, बट यू हैव रिसीव्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट पर्टिकुलर वर्ड विच वॉज यूज बाई योर सीनियर इन अ रॉन्गफुल मैनर, जो कहा गया उसको आपने गलत तरीके से रिसीव किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ऑफिसर सेड टू हिज स्टाफ गो टू ऑफिस एंड बर्न दिस डॉक्यूमेंट, ऑफिस जाओ और इस डॉक्यूमेंट को बर्न कर दो, बेसिकली यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, बाई बर्न दिस पर्टिकुलर टर्म, हाँ द लिटरल मीनिंग ऑफ बर्न इज जला दो, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बर्निंग ऑफ द फाइल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फाइल्स। यहाँ पे देखो ऑफिसर एक्चुअली मीन्स टू मेक एन एडिशनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये एडिशनल कॉपी कैसे भी हो सकता है, जाके फोटोस्टेट कर लो दूसरी बना दो, या इसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी क्रिएट कर लो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो बर्निंग फाइल मीन्स मेकिंग एन एडिशनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट द एम्प्लॉय माइट थिंक डिफरेंटली, और यहाँ डिफरेंट का मतलब क्या है, जाओ और उसे सीधा चला दो, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स मे बी एज्यूम्ड, और इट मे बी वहां बोला कुछ जा रहा है और समझा कुछ जा रहा है, दैट मींस द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन बाईपास्ड, उसको बाईपास कर दिया गया, एंड सिंस द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैरियर इज मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि जो वर्ड्स बोला गया था उसका मतलब आप नहीं समझे, दैट्स व्हाई बाईपास्ड इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो रिगार्डेड एज सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। इन 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 सब में किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा 5 मिनट रह गया है, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो एक लास्ट वाला है, यो फोर्थ वाला मैं अभी फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। वो जो सोशियो साइकोलॉजिकल कल्चरल, उसको आप लोग अपने से स्टडी कर देना, मैं लास्ट वाले को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी, यानी सच्चाई की समझ आपको कैसे है, अगर सच्चाई की समझ आपको सही तरीके से नहीं है, देन 100% यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ नेगेटिव कंक्लूजन और यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव द राइट इंफॉर्मेशन, आप राइट इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं प्राप्त करोगे अगर सच्चाई की समझ आपको सही तरीके से नहीं है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, मैंने आपसे पूछा कि आपको यू बिलीव दैट यू हैव टू हैंड्स और यू नो दैट यू हैव टू हैंड्स, तो वी नो दैट टू हैंड्स, तो सच्चाई की समझ ऐसी होनी चाहिए, कोई पूछे तो बोलो नो नो वी डू नॉट बिलीव, वी नो दैट वी हैव टू हैंड्स, हम जानते हैं कि हमारे पास दो हाथ है, तो सच्चाई की समझ सही तरीके से होनी चाहिए। बट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी। नंबर वन इज एब्स्ट्रक्टिंग, ये अधिकतर लोगों के साथ यही होता है, बिल्कुल अधिकतर। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सपोज मैंने आज ही एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज मोदी गवर्नमेंट जो है या योगी जी जो है अगले महीने जनवरी में ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं,
हम 1 लाख देंगे, तो इसमें कई ऐसे लड़के होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये तो पक्का सर जो है पक्का बीजेपी विरोधी है, क्योंकि हमेशा डिफेम करते रहते हैं गवर्नमेंट को. तो दिस इज एब्स्ट्रैक्टिंग, मियरली यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू फ्यू वर्ड्स बाय नेग्लेक्टिंग द मेजोरिटी. मैं कहूंगा कि तुम मेरे बारे में जानते कितना हो, मेरे बारे में क्या जानते हो, मियरली बाय लिसनिंग वन टू एग्जाम्पल्स विच आर गिवन बाय मी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू आर ड्रॉइंग कंक्लूजन्स अबाउट अबाउट मी. कुछ वर्ड्स को सुन के आप मेरे बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर ले रहे हो, दिस इज एब्स्ट्रैक्टिंग बिकॉज यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू फ्यू वर्ड्स बाय नेग्लेक्टिंग द मेजोरिटी. पूरे चीज को ना समझते हुए कुछ वर्ड्स की सहायता पे आपने कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊं कि मान लो बीकॉम के सारे बच्चे कंप्लीट अननोन है रामायण स्टोरी के बारे में, रामायण के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते हो, ठीक है. मैंने कहा कि आज मैं आप लोग को एक बहुत मजेदार स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, 3 लाइन में स्टोरी सुनाऊंगा और आप लोग को अच्छी लगेगी. मैंने स्टोरी सुनाना शुरू किया, एक राजा थे दशरथ, उनके 4 लड़के हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है. कुछ दिनों बाद उनकी शादी हुई, सीता जी का अपहरण जो कि राम जी की बीवी थी उनका अपहरण हुआ, उसके बाद राम जी गए और वहां पे अपहरण की करने वाले आदमी का नाम रावण था, उसको उन्होंने मार के और वहां पे 100-150 लोगों को या 1000 लोगों को लाख लोगों को मारा और सीता जी को वापस किया. अब यहाँ पे कुछ बच्चे मारा, वो गए और वहां पे मारा, 100 लोगों को मारा, 1000 लोगों को मारा, ठीक है. मियरली बाय टेकिंग दिस फ्यू वर्ड्स, सिंस दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, merely by taking these words they are drawing conclusion that this is something or this story is something wherein everything is stated regarding killing. jahan pe keval maar kaat ki baat ki ja rahi hai, jahan pe keval maar kaat ki hi baat ki gayi hai, aisi cheez hai ramayan. this is 100% wrong conclusion. why? because merely on the basis of certain abstract, keval abstract ke basis pe aapne conclusion draw kar liya about the whole story. This is abstracting, ठीक है. कुछ चीजों को इंपॉर्टेंस देना, few words या few paragraphs को इंपॉर्टेंस देना and neglecting the majority. आपने रामायण के बाकी सारे सुंदर चीजों को neglect कर दिया. कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं, उनको आपने क्योंकि neglect करके और छोटी चीजों के द्वारा आपने conclusion draw कर लिया, that is abstracting, ठीक है. जैसे मैंने अपना example दिया कि क्योंकि मैंने कुछ examples दिए जो आपको नहीं अच्छे लगे, ठीक है, और आपने उन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस पे मेरा कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, दैट इज एब्स्ट्रैक्टिंग, ठीक है. नंबर टू इज स्लैंटिंग. 99% स्टूडेंट्स या ह्यूमन बिहेवियर जो है वो स्लैंटिंग ही होता है, और इंडिया में तो 100% ही है स्लैंटिंग. दैट मींस वी आर ऑलरेडी इंक्लाइन टुवर्ड्स समवन, हम लोग पहले से ही किसी के तरफ झुके हुए हैं. स्लैंटिंग बेसिकली मीन्स गिविंग पर्टिकुलर बायस टू द रियलिटी, सच्चाई को कुछ बायस कर देना, उसको बायस दे देना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि इस व्यक्ति को आप लोग कैसे पॉजिटिव मैनर में लेते हैं कि नेगेटिव मैनर में लेते हैं. महात्मा गांधी सर पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है. दैट मींस इसका मैं कंक्लूज लू कि दैट मींस महात्मा गांधी हैज डन नथिंग नेगेटिव इन हिज एंटायर लाइफ. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम ना कर सकते थे ना सोच सकते थे, ठीक है. यू आर क्लियरली स्लैंटिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी इन द पॉजिटिव मैनर. यू हैव गिवन पर्टिकुलर बायसनेस टू द रियलिटी, ठीक है. रियलिटी, अब इसका मतलब ये कोई ये मत कह देना कि सर तो महात्मा गांधी विरोधी है, नहीं, मैं केवल आप लोग को समझाना चाह रहा हूं. जैसे मैं अब एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, हिटलर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, आप ये कह सकते नेगेटिव. क्या आप लोग जानते हो 100% कि इसने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं? नो सर, ये बिल्कुल नहीं जानते हो. कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो जिसने जिंदगी में कोई अच्छा काम ना किया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता. बट वी हैव ड्रॉन कंक्लूजन, वी हैव बेसिकली गिवन अ पर्टिकुलर बायसनेस टू द रियलिटी. रियलिटी के ऊपर हम लोग बायसनेस, जैसे मैं तुरंत नाम लूंगा अगर, जैसे सपोज मोदी, कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल वो कितने भी गलत काम कर ले, कुछ लोग कहेंगे कि नो नो ही इज अ वेरी गुड पर्सन. मैं दूसरा नाम लूंगा सपोज राहुल गांधी, वो कितना भी अच्छा काम ले, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं है तो लल्लू ही, ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, दैट मीन्स यू आर बेसिकली गिविंग पर्टिकुलर बायस टू द रियलिटी. सच्चाई से उस पर्टिकुलर स्लैंटिंग का कोई वास्तविकता नहीं है, एंड बाय स्लैंटिंग यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन.
ये स्लैंटिंग जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है या जो हम लोग बेसिकली करते हैं उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले से ही बायस्ड हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बायसनेस की तरफ झुके हुए हैं, ठीक है। जैसे यहां मैंने लिखा है हिटलर इज अ थ्रेट फॉर द कंट्री, किसी भी देश के लिए एक थ्रेट का ही है, बट ही माइट बी गुड इन अदर एस्पेक्ट, ही माइट बी गुड फॉर जर्मनी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। हो सकता है वो जर्मनी के लिए अच्छा प्लेयर एक व्यक्ति रहा उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, क्या उस पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हिटलर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था ना, व्हाट अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंसिक्वेंसेस कुछ ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से एग्रेशन में आ गया होगा, तो कुछ हो सकता है पॉजिटिव, बट वी हैव ऑलरेडी गिवन पर्टिकुलर बायस टू द रियलिटी एंड वी एज्यूम दैट वी नो, और इनफैक्ट हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं, वी डू नॉट बिलीव दैट ही इज अ थ्रेट। वी कई लोग बोल देंगे वी नो दैट ही इज अ थ्रेट, है ना। तो ऐसा ये क्या होता है, सच काइंड ऑफ कंक्लूजन्स और सच काइंड ऑफ बायसनेस टू द रियलिटी, इट इज रिगार्डेड एज स्लैंटिंग, जो तिरछा, तिरछा का मतलब जो किसी की तरफ झुका हुआ हो, ठीक है। किसी की तरफ तो आप इंक्लाइंड हो, किसी की तरफ तो आप स्लैंटिंग हो, ठीक है, आप किसी की तरफ झुके हुए हो, ये भी कहीं ना कहीं बैरियर्स होता है। एंड लास्ट वन इज इन्फरिंग, दैट मीन्स ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, किसी भी चीज के ऊपर आप तुरंत निष्कर्ष निकाल लो, आप इन्फर कर लो। यहाँ पे देखो ड्रॉइंग कंक्लूजन्स बियॉन्ड द फैक्ट, आप फैक्ट नहीं जानते हो, बस आपने ड्रॉ कर लिया कंक्लूजन, आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, आप बिलीव कर लिए या आप एज्यूम कर लिए ये चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, इसको ध्यान रखना, अगर मैं आपसे केवल पूछूं कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो आप लोग क्या मानेंगे कि प्रोडक्शन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा कि नेगेटिव जाएगा? सर नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा, मान लो बारिश सामान्य से अच्छी है जो क्रॉप्स के लिए अच्छी मानी जाती है, तो इसका क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे क्या असर जाएगा? सर पॉजिटिव, पॉजिटिव। यानी प्रोडक्शन क्या होगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी। हाँ, तो व्हाट अबाउट प्राइसेस ऑफ दोस क्रॉप्स, क्या वो गिरेंगे कि बढ़ेंगी? सर सर वो प्राइसेस गिर जाएंगे, गिरने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अगर जैसे आज के डेट में अगर न्यूज में दे दिया जाए कि हैवी रेन, बहुत ज्यादा बाढ़ की संभावना है, तो तुरंत हम लोग के दिमाग में क्या जाता है कि नाउ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज विल गो अप, क्योंकि प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और प्रोडक्शन बहुत कम होगा तो उसकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, वो बहुत बढ़ जाएगी। यही हम लोग कंक्लूड करेंगे ना? यस सर। औसत से बहुत ज्यादा बारिश आ जाए जिससे कि बाढ़ हो जाए, और या औसत से बहुत कम बारिश हो जिससे कि सूखा पड़ जाए, दोनों कंडीशंस में प्रोडक्शंस इफेक्ट करेंगी नेगेटिव मैनर में, और जिसका इफेक्ट प्राइस पे पड़ेगा, हम लोग यही कंक्लूज करेंगे। अगर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा बारिश होगी और बहुत ज्यादा या तो बहुत कम बारिश होगी, ये दोनों चीज स्टेटमेंट में अगर दूं, तो आप लोग कंक्लूड तुरंत कर लोगे कि प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज विल गो अप, ठीक है। अब मैं पूरा स्टेटमेंट देता हूं कि although there is heavy rain but the government has made a stock, a buffer stock of all the food grains for the entire population for 2 years. 2 saal ke liye government ne buffer stock maintain kar rakha hai har crop ka, pure do, har puri jansankhya ke liye. Ab mujhe batao ki ab kya prices ki wo upar jayegi ki niche hogi? Sir koi farak nahi padega, koi farak nahi padega, but without knowing about the facts, you just simply draw your conclusion. क्या आपको ये fact पता था कि government के पास buffer stock कितना है? ये fact आपको नहीं पता था, but जैसे ही आपने सुना कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या बहुत कम बारिश हो रही है, तुरंत conclusion draw कर लिया कि prices तो भागेंगी, ठीक है। Such kind of conclusions are beyond the facts. You are completely unaware about the fact. That why you are drawing such kind of wrong conclusions. And since you are drawing wrong conclusions and this particular process is regarded as inferring. इसी को inferring कहते हैं कि गलत conclusions को draw कर लेना, and this is a barrier to communication. ठीक है, चलो 6 मिनट हो गया है, अगली क्लास का ये है, आप लोग अगली क्लास करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।